please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है. मैं मौजूद यहाँ पर एक मुद्दे के साथ. मुद्दा एक है लेकिन सवाल यहाँ पे तमाम है. मुस्कुराते चेहरों के साथ कुछ हुए, कुछ बच्चे भी आते हैं, रोज आते हैं, कुछ पानी की समस्या लेकर आए. आप पानी की समस्या लेकर आए कल बात रहा है? कल भी आया था. कल नंबर नहीं आया था, जल्दी आया था, सुनी नहीं आपने मेरी. अरे मैं तो बहुत खराब आदमी हूँ, कहाँ सुनता हूँ. लेकिन जो सुनते हैं क्या वो सुनते हैं? पाजी जब वो नहीं सुनते हैं तो फिर यहाँ सुनते हैं, इसीलिए तो आप आते हैं सुनाने के लिए. मैं आपसे बात सुनूंगा, आपसे बात करूंगा, लेकिन वो तमाम सारे लोग यहाँ पर मौजूद जो अपनी बात कहने आते हैं, बातचीत के सिलसिले को जोड़ने आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग ट्रेवल करके आते हैं. बैठिए, तशरीफ रखिए, बैठिए. आज जो मुद्दा है वो ईवीएम का मुद्दा है मेरे पास. जब जीतने लगो तो कहो कि ईवीएम ठीक है, जब हारने लगो तो कहो बाबूजी झांक के देख रहे हैं, तो कहो कि ईवीएम गड़बड़ है. तो आखिर क्या मुद्दा है? यही है बात कि विरोध आखिर मोदी जी का है या विरोध ईवीएम से है. सवाल यह भी है कि भाई विरोध किससे है? मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी से विरोध है. और जी तो बात विरोध की है या बात ईवीएम की है, सवाल यही है हमारा आज का. सवाल मैं रख देता हूं, बहुत छोटा सा एक लाइन का सवाल है आज. ईवीएम के बजाय मत पत्रों से, जब याद करिए 30-40 घंटों में रिजल्ट आया करता था, तो ईवीएम के बजाय मतपत्रों से चुनाव करवाने की विपक्ष की मांग क्या सिर्फ 2019 में प्रधानमंत्री मोदी को रोकने के लिए है? यह सवाल है. इस मुद्दे पर आज हम मौजूद हैं. जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आ गए हैं, मेरे सामने मौजूद हैं, तशरीफ रखिए. आज इसी सवाल के साथ हम मौजूद हैं कि ईवीएम सही या गलत या विरोध मोदी जी का है. तो विरोध करने के लिए सब बहरहाल 2 दर्जन पार्टियां, 16 पार्टियां कहती हैं कि ईवीएम गड़बड़ है, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए. किससे होना चाहिए? मतपत्रों से, जैसा पुराने समय में होता था. तो वो भी बात कहते हैं, वो कहते हैं कि तमाम ऐसे मुल्क हैं, इंग्लैंड है और ऐसे कई मुल्क हैं, फ्रांस हैं, जहां पर मतपत्रों से होता है. तो ये एक सवाल है. लेकिन हाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा, तमाम सारे लोग जो मौजूद हैं उनकी अपनी बात है, उनके अपने मुद्दे हैं, मैं उनकी भी बात सुनूंगा फिर आगे बढ़ूंगा. लेकिन नवीन बैनर्जी, आज आपने गाना गाया, कहाँ से आए आप? साहिबाबाद से. साहिबाबाद से बहुत सुंदर गाना गाया, क्या गुनगुनाया था आपने? मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन. अभी यही चमन थोड़ी देर में यहाँ दिखेगा. आप लोग तो मेरी हर बात से, अभी ये चमन थोड़ी देर में मोतिया चमन बन के दिखेगा. एक 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 शख्स चमकेगा, पसीने में नहीं, उसकी आवाज, उसकी बात एकदम चमकती हुई नजर आएगी. तो कुछ देर में हुजूर, उन्होंने कहा साहब क्या होगा? उन्होंने कहा हुजूर थोड़ा इंतजार करिए, सामने आया जाता सब. तो मुद्दा यहां से शुरू करते हैं, जिसकी बात जो कहना चाहता है वो यहां पे कहें. जनाब मैं आता हूं आपके पास, मैं आपके पास आता हूं. जी सर, मुद्दे तो बहुत सारे होते हैं, जैसे आज ईवीएम का मुद्दा सर आपने उठाया है. हाँ. और सोचता हूं ये बहुत अच्छा मुद्दा है, लेकिन सर जो मोदी विरोधी नहीं है ये लोग पार्टी विरोधी नहीं है, कुछ नहीं है सर, ये सब केवल देश विरोधी है. 16-2 दर्जन पार्टियां देश विरोधी हैं? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं सर, वो देश विरोधी नहीं है सर. हाँ. उनकी मानसिकता ऐसी है कि वो विरोध करने का उनका जो तरीका है. लागू की इन्होंने नोटबंदी अभी तक क्यों नहीं लागू की थी? कोई आदमी ऐसा होगा जो नोटबंदी कर सके? कम से कम जनता का इसमें विरोध होना चाहिए था ना. नोटबंदी नहीं की किसी ने आज तक, क्यों नहीं की? हिम्मत चाहिए, केवल जनता से, जनता के लिए काम करने के लिए हिम्मत चाहिए. और वो हिम्मत मोदी जी में, मोदी जी में है. अच्छा, और बिल्कुल है हिम्मत. हिम्मत वाली बात नहीं है सर. हाँ, वो बात, पहलवानी थोड़ी ना. हाँ, बात कोई अखाड़े में, अखाड़े वाली बात नहीं है. अखाड़े वाली बात नहीं ना. हमारे वो इटावा वाले पहलवानी तो है, अखाड़े की बात ना. सुनिए सर, उनकी बात आप कर रहे हैं, इसलिए आज मुझे यहाँ पहली बार सर बोलना पड़ रहा है पार्टी विशेष के रूप में, वरना मैं सर कभी पार्टी विशेष के रूप में बोला नहीं हूँ. आपने कल दलित का मुद्दा उठाया, आज ये मुद्दा उठा रहे हैं सर. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर कि ईवीएम से इलेक्शन हो, इससे इलेक्शन हो. क्या हम उतने उन्नत टेक्नोलॉजी पर पहुंच पाए कि हम ईवीएम से चुनाव कराएं? क्या अमेरिका, जो आपने भी नाम लिए, क्या हम उन देशों के बराबर हैं कि जो हम ईवीएम से इलेक्शन करा लेंगे? साहब
विकास के मामले में तो नहीं है लेकिन ईवीएम के मामले में है। आपने बहुत सारी घटनाएं सुनी होंगी कि ईवीएम वहाँ खराब हो गया, वहाँ कम चल रहा है, वो केवल उन्हीं मुद्दों पर। देश का एक उपग्रह उड़कर अंतरिक्ष युग में प्रवेश कर गया है और इस देश के सारे पाप धो गया है। भारत का एक पैर अंतरिक्ष युग में है और दूसरा भुखमरी युग में है। भारत ही एक ऐसा देश है जिसका एक पैर अंतरिक्ष युग में है, दूसरा भुखमरी युग में है। इस देश के सारे पाप धो गया है। अरे ये वामन का देश तीन रंग में पूरी दूरी नाप सकता है हुजूर, तो आप तो कह रहे हैं क्यों डिजिटल एज में है। सर डिजिटल एज में है, मना नहीं कर रहा सर मैं, लेकिन क्या हम उनके सारे पहलुओं पर, वो कब गए वहाँ ईवीएम पर सर, जब उन्होंने अपनी बिजली सड़क खाना सब पूर्ति करने के बाद तब पहुंचे वहाँ ईवीएम पर। 1998 में हमने शुरू किया, 16 राज्यों में चुनाव थे। 1990 मैं आ रहा हूँ 1998 में हमने चुनाव शुरू किया। जी 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 सर, ये सिर्फ दुकानदारों की लड़ाई है, ये लड़ाई दुकानदारों की लड़ाई है। किसका माल कितना अच्छा, किसका माल, जो भी ईवीएम हो, मत पत्र हो, इसमें जाति धर्म धर्म संप्रदाय ऊंच नीच सारे चीज बांटे जा रहे हैं, सारे चीज बेचे जा रहे हैं। एक बार नजर उठा के सर देख लीजिए, जहाँ भी ईवीएम खराब होता है, जहाँ भी मतपत्र पड़ता है, मतपत्र से भी जो चुनाव होता है उसमें भी लाइन में खड़े होने वाले लोगों के साथ क्या क्या कठिनाइयां आती है वो आपके सामने आया है। यह सिर्फ ईवीएम के साथ नहीं है सर, मुद्दा हमारा जो है वह किसानों के साथ है कि गांधी जी ने कहा था कि देश जब आजाद होगा तो आजादी की पहली किरण किसानों के पीठ पर पड़े अंग्रेजी कूड़े के घाव को भर देगा। वो 70 साल में भर नहीं पाई, वह ईवीएम और वो 70 साल में भर नहीं पाई, वो 70 साल में भर नहीं पाई। तो सवाल यह है कि आखिर मुद्दा है क्या। जी कहाँ से आ रहे हैं? बिहार से तो आ रहे हैं, आज खरीदारी भी तो की है आपने? खरीदारी नहीं किया, ऐसे लेके घूम रहे हैं। अच्छा ऐसे लेके घूम रहे हैं, कभी कभी ऐसे भी घूमा जाता है, थोड़ा मौज मस्ती कर लिया जाता है, रोज वही बात वही चीज। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि जो चुनाव प्रक्रिया वो मत पत्र द्वारा होनी चाहिए, लेकिन जब होती थी चुनाव उस प्रक्रिया से तो बहुत सारी धांधली होती थी उस समय, इसलिए उसको रिप्लेस करके उसको ईवीएम को लाया गया। उसको रिप्लेस किया गया, ईवीएम को लाया गया, लेकिन मुझे याद है 2009 में बीजेपी जब हारी तो 2009 में विरोध किया था अडवाणी जी ने, तो वो भी मुझे याद है जी। लेकिन ठीक है, 2009 और 2018 में फर्क है और हमको आगे आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जब भाई हम डिजिटल इंडिया कहते हैं तो चुनाव भी क्या हम पत्रों से कराएंगे। ठीक है आपके बात ली, इधर कुछ और बोलना चाह रहा था। जी बाबू जी। हाँ सर, क्या नाम हो गया? इम्तियाज अहमद। इम्तियाज साहब कहाँ से रहने वाले हैं? बिहार के चंपारण जिला का। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बड़ा खुशहाल इलाका है। शुक्रिया। हाँ तो आप जो ईवीएम वाली बात कह रहे थे और ये पेपर वाली बात कह रहे थे, मेरे समझ से दुनिया आगे की तरफ जा रही है। दुनिया आगे की तरफ जा रही है, पीछे की तरफ, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। देखिए चंपारण से आते हैं बिहार के और कह रहे हैं कि दुनिया तो आगे की तरफ जाती है, हम मतपत्रों की तरफ जाएंगे क्या? हाँ माथे पे हाथ मत रखिए बाबूजी, माथे पे हाथ मत रखिए, आ रहा हूँ मैं। 2019 में मोदी जी को कोई रोकने वाला नहीं है, चाहे जितना विरोध एकत्रित हो जाए, इसमें मोदी जी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास। क्या नाम है आपने? इम्तियाज अहमद। इम्तियाज अहमद, आपने पूछा होगा दोबारा नाम पूछ के, तुम भी बड़ा शैतान आदमी हो। इम्तियाज अली मिल गए और उन्होंने कह दिया बीजेपी दोबारा आने वाली है, तो बड़े शैतान नजरों से तुमने पूछा क्या नाम बताया आपने। हाजी यही है खेल, ये जितना खेल लेते हो उतना ही शातिर माने जाते हो, उतना ही अच्छे बाजीगर माने जाते हो, यही है खेल। जी जी जनाब अली कहाँ से आगे साहब? सर हम यहाँ हैं अमन बिहार से, सुल्तानपुरी। हाँ जी हाँ, तो मैं यही, तो यहाँ के बाशिंदे? जी हाँ बाशिंदे समझो, यहाँ शुरू से रह रहे हैं, शुरू से रह रहे हैं। बाबूजी आ रहा हूँ। जी, हाँ। जी जी बस यही आया था कि मैंने कहा सर ये दिल्ली में जो है ना, थोड़ा जब से ये आम पार्टी आई है हमें बहुत ज्यादा सुविधा मिला है। बहुत अच्छी, और बहुत अच्छी बात है आपने कहा कि जब से आम आदमी पार्टी आई है मुझे बहुत सुविधाएं मिली हैं, और ये अच्छी बात है। जी हाँ, सुविधाएं हमें ऐसी मिली है, बिजली कम है, रोड सही है हमारे गली में,
पानी का व्यवस्था 22,000 लीटर जो है फ्री है जी, हम इतना इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं जी, यानी गुजारा मजारा हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत अच्छी बात है। बस नाम हो गया आपका? जी हाँ, मोहम्मद मुंशी। मोहम्मद मुंशी साहब कह रहे हैं जब से आम आदमी पार्टी आई है हमको सड़क अच्छी मिली है, पानी दुरुस्त आ रहा है, इतना पानी मिल रहा है, तुम्हें क्यों जलन हो रही है भाई? इनको पानी मिल रहा है, तुम्हें जलन क्यों हो रही है? 22,000 लीटर पानी मिल रहा है, पानी इतना मिल रहा है इनको कि ये खर्च नहीं कर पाते, पड़ोसियों को भी देते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये बात कही। लेकिन मेहमान हमारे आ गए हैं, मैं उनसे आपका ताल्लुक करा देता हूं, जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आज बहुत बढ़िया शो होगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी। नवीन कुमार जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी। प्रिया शर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारे साथ मौजूद हैं, शुक्रिया प्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। राजकुमार भाटी जी, आज बहुत विशेष अनुरोध किया मैंने उनको, आने वाले नहीं थे समाजवादी पार्टी से, आपके आदेश पर हाजिर होंगे। मैंने राजकुमार जी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आज आए हमारे साथ। असद खान फलाही सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। परमिंदर सिंह सेठी अकाली दल से मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग हैं, इनका हाथ है, जल्दी एक सवाल पूछो, मुझे पूछना है। जी जी सर, मेरा सवाल ये है हाँ हाँ, कि जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है जी जी, तब से बेरोजगारों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है जी। दूसरी, चूंकि मैं स्टील सेक्टर से बिलोंग करता हूं जी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक एम्प्लॉय हूं जी, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से वहां की स्थिति बहुत बुरी हो गई है। कहां की? ये मैं भिलाई स्टील प्लांट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं वहाँ का एम्प्लॉय हूँ। वहाँ की स्थिति बहुत बुरी हो गई है। और जहाँ तक बात हो रही थी ईवीएम की, तो सर ईवीएम का ऐसा मैटर है, 2004 तक जो ईवीएम मशीन आई थी उनमें कोई धांधली नहीं होती थी। 2007 के बाद, 4 के बाद जो ईवीएम मशीन आई है, जिनको जीपीआरएस सिस्टम से 1 किलोमीटर में दूर कार में बैठ करके उनको जीपीआरएस सिस्टम से उसको जो कोडिंग करके, चूंकि जो इसके बाद क्या करेंगे, शो के बाद हम और आप दोनों लोग इलेक्शन कमीशन चलेंगे। बिल्कुल चलेंगे सर। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, इसके बाद हम दोनों लोग इलेक्शन कमीशन चलेंगे चलेंगे सर। और जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनसे विशेष समय मांगा जाएगा, आप बैठिएगा हम बैठेंगे और आप वही करके दिखाइएगा 1 किलोमीटर दूर से, मैं देखूंगा जी जी, मैं देखूंगा, मैं आऊंगा। एक मिनट बात की, एक बात, ईवीएम तो बहाना है और सीधे मोदी जी को हटाना है, इनका तो जो मेन मुद्दा है ईवीएम बहाना है, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन इनको गड़बड़ी किससे लगती है जी? मोदी जी से गड़बड़ी है सर। गड़बड़ी ये है कि सिस्टम से है, जो देश ईवीएम बना रहा है वो क्यों नहीं वहाँ चालू कर रहा है, वो तो ईवीएम को बंद रखा है। नहीं, अमेरिका ने बहुत सारी दी, अमेरिका में कहीं जगह बैलेट पेपर भी है, कैलिफोर्निया में, लेकिन बहुत सारी जगह वो अभी बैलेट वो ईवीएम इस्तेमाल करते हैं। मैं आ रहा हूँ, चलो ना 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 ना, कल भी लौट गए थे। पानी कौन सा इलाका? साउंड पार्क अशोक विहार। अशोक पानी आ रहा नहीं आ रहा? पानी बाबूजी 10 मिनट आता है 8:05 पे हाँ, और फिर और 8:15 बंद हो जाता है हाँ, और फिर आता है 9:02 पे, फिर 9:20 पे बंद हो जाता है हाँ, और गंदा पानी भी आ जाता है, फिर सवेरे आता है 9:00। क्या उम्र हो गई मेरी? 75 साल। 75 साल। एक मिनट, जनाब अली आपका नाम, आपने क्या बताया था? मैंने मोहम्मद मुंशी। पानी इतना है पड़ोसी को दे सकते हैं, पड़ोसी बन जाओ ना उनके। अगर बाबूजी रहता मैं वहाँ हूँ, वहाँ क्या चला जाऊँगा? अब सुनो, 5:15 पानी आता है और 6:30 तक आता है। कौन सा जगह बताई है? कौन सा जगह बताई? साउंड पार्क एक्सटेंशन। झूठ बोल रहे हो आप? अरे मैं रहता हूँ। झूठ बोल रहे हैं यार, क्या आदमी है, झूठ क्या मतलब है? पानी कितना है आपके पास? पानी कितना है? 21,000 लीटर है पानी वहाँ। अरे बाबूजी हमारे यहाँ तो गंदा पानी आता है, नाले का सारा मोटर चला देते हैं, टंकी भर जाता है, जब खोलते बच्चे बीमार पड़े। ये सही बोल रहे हैं ना? ये सही बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे, ईमान के आदमी सही बोल रहे हैं, वो भी सही बोल रहे हैं। असामान्य वितरण है, कहीं ज्यादा है, मैं समझ गया। बच्चे बीमार पड़े हमारे,
बाबू जी गंदगी आपकी फैलाई हुई है जिससे बच्चे नहीं 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 मैं सिर्फ बता रहा था कि असामान्य वितरण है, मैनेजमेंट सही नहीं है, उसकी वजह से प्रॉब्लम है। कोई बात, वो सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये भी सही कह रहे हैं। मेहमानों से मैंने तारुफ कराया, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को खड़ा करना चाहता हूं बाइज्जत, और मैं पूछना चाहता हूं आलोक शर्मा जी, हम आगे बढ़ें जैसा किसी ने कहा या पीछे चले जाएं? हम डिजिटल एज में हैं तो हमारा ईवीएम होना चाहिए, या हम वही बैलेट में 30-40 घंटे इंतजार करें? दो तीन फिल्में आया करती थी, लोग बैठ के देखा करते थे, तो उस एज में चले जाएं। देखिए, मैं समझता हूं कि क्या फ्रांस में, इंग्लैंड में, अमेरिका में अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो, आबादी मिला लीजिए और हिंदुस्तान की आबादी मिला लीजिए, कई देश बन जाएंगे। सर एक मिनट, उनके यहाँ एक शॉट में चुनाव होता है, हमारे यहाँ कई चरणों में चुनाव होते हैं। मुद्दे की बात, एक मिनट, गुजरात में, छोटे से गुजरात में अभी चुनाव हुआ, तीन चरणों में हुआ, क्यों हुआ? मुद्दे की बात पर आते हैं, बैलेट पेपर हो, ईवीएम हो, जिसको मोदी जी को वोट देना होगा मोदी जी को देगा, जिसको किसी और को देना होगा किसी और को देगा। तो मोदी जी को हराने के लिए जो प्रोपेगेंडा बनाया जाता है ऐसा नहीं जी। क्या फ्रांस और इंग्लैंड और अमेरिका बैलेट पेपर यूज करके डिजिटल वर्ल्ड में पीछे चले गए क्या? नहीं गए, नहीं गए। मुद्दे की बात यह है कि जिस तरह से तमाम रिजल्ट आए हैं पिछले, तमाम तरह के सवाल खड़े हुए हैं, यहाँ पर तालियां बहुत लोग पीटते हैं। मैं सवाल सीधा पूछता हूँ, आपको लगता है कि ईवीएम का दुरुपयोग हो रहा है और जो सत्ताधारी पार्टी है वो उपयोग दुरुपयोग कर रही है? देखिए, आज की तारीख में हिंदुस्तान के तमाम कोर्टों में 20 से ज्यादा केस पेंडिंग है ईवीएम के। अगर ईवीएम के अंदर गड़बड़ नहीं थी तो मुझे बताइए देहरादून की एक विधानसभा की सारी ईवीएम नैनीताल हाईकोर्ट में क्यों है? मुद्दे की बात यह है, अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई सवाल उठ रहा है, इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है, उसको आकर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। अगर बैलेट पेपर से होता है तो भाजपा को इतनी आपत्ति क्यों है, पहला सवाल। दूसरा, अगर ईवीएम ठीक थी तो सबसे पहला मुद्दा आडवाणी जी ने उठाया, दूसरा मुद्दा एक जीवीएल जो इनके राज्यसभा सदस्य अभी बने उन्होंने उठाया, शुरुआत बीजेपी से हुई। अगर 16 पार्टियां कहती हैं कि ईवीएम जो हटाकर आप बैलेट पेपर से करा लीजिए, उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव हुए जहां जहां ईवीएम से चुनाव हुआ, आज आम आदमी पार्टी वाले नहीं, मैं चलता हूं। अंतिम बात कहना चाहूंगा कि जहां जहां ईवीएम से चुनाव हुए वहां भाजपा क्लीन स्वीप, और जहां जहां बैलेट पेपर से हुए वहां सब जमानत जब्त। 27 उपचुनाव हुए और सारे ईवीएम से हुए, आज तो पूरी रिसर्च भेजी है प्रोड्यूसर साहब ने। 27 में 5 सीटें सिर्फ बीजेपी जीती, 5 सीटें बीजेपी जीती जी जी। क्या अगर आपके आईएएस अधिकारी गुजरात से लाकर यहाँ पर बैठाए जाएं तो क्या सेलेक्टिव काम नहीं किया जा सकता? आलोक जी, सीधा सवाल आपसे पूछता हूँ, सीधा उत्तर दूं। आपको अपने सिस्टम में ही भरोसा नहीं रह गया? इस लोकतंत्र, सबसे बड़े लोकतंत्र में हमारी ताकत हमारा सिस्टम है, उसी पे आपको विश्वास है? जब आप दो बार चुनाव जीते तो किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि आप जीत के आए थे, इस्तकबाल किया सबने। बिल्कुल, आम कमिंग। आपने जो एक मुद्दा उठाया सिस्टम वाला, सिस्टम का ही तो दुरुपयोग का सवाल खड़ा हो रहा है। ठीक है, असली तो मुद्दा ही है। आज डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, वो आरबीआई कहाँ है? आज नोटबंदी के लिए बड़ा सीना चाहिए, क्योंकि बेड़ा गर्क करने के लिए बड़ा सीना चाहिए। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, आज तक आरबीआई ने ये नहीं बताया कितना काला धन आया, कितना पीला आया। मेरा जवाब ले लीजिए, नहीं आया आरबीआई। प्रदीप जी, आज ये फ्रांस और अमेरिका की बात करते हैं, हमारी पॉपुलेशन और बाकी पॉपुलेशन जोड़िए कितनी है, इनको नजर नहीं आएगा? हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टियां जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है वो 1866 है रजिस्टर्ड, और 17 आदमी जाकर के कहते हैं ईवीएम का विरोध करेंगे। 2017 में जब इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था सब पॉलिटिकल पार्टियों को कि ईवीएम हैक करके बताओ, तो सारे भाग गए कि कोई नहीं। ये बताइए, आप इतना आड़े क्यों है कि नहीं कराएंगे? ठीक भाई, आप बैलेट पेपर पर लेकर के 5-5 दिनों में चुनाव कराओगे, आप किस लिए कराएंगे? इनको डर क्यों लगा? ये आई ना बात कि आखिर डर क्यों लग रहा है? डर है या कुछ और है? वक्त छोड़ दे, ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर आते हैं।